चुनावी मौसम फिर एक बार आ गया है। अब देखिए सवाल यही है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव कौन जीतेगा। तारीखें आ गई हैं, अब आपको गणित समझना है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए क्या है हरियाणा विधानसभा का गणित, दूसरा क्या है जम्मू कश्मीर विधानसभा का खेल, तीसरा लोकसभा चुनाव के नतीजों का संदेश क्या है, चौथा महाराष्ट्र झारखंड में चुनाव में आखिरकार देरी क्यों हो रही है, इधर भी विधानसभा चुनाव है, और पांचवा किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं एनडीए वर्सेस इंडिया, यानी अभी कौन से मुद्दे हैं जो पूरे देश की राजनीति को डायरेक्ट कर रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, हरियाणा जम्मू कश्मीर चुनाव तारीखों का ऐलान हो गया है और क्या मामला बैठा है, क्या राजनीति है इसके पीछे का, गणित क्या है, और मुझे पता है ये आपका फेवरेट टॉपिक है। तो शुरू करते हैं कि ईसी की 2 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में 3 चरण में चुनाव होने वाले हैं और 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं विधानसभा चुनाव। तो देखिए 18 और 25 सितंबर को 2 फेजेज, 1 अक्टूबर को चुनाव होगा तीसरे चरण का। हरियाणा में 90 सीटों पर 1 अक्टूबर को यानी एक ही चरण में डाला जाएगा वोट, 4 अक्टूबर को सारे के सारे नतीजे आपके सामने आ जाएंगे, यानी जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आपके सामने होंगे। और मुझे लगता है ये 4 तारीख है जो इलेक्शन कमीशन की बहुत फेवरेट है। 4 जून को ही लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे और 4 अक्टूबर को, यानी वो 4 तारीख, और ये देखिए जम्मू कश्मीर और हरियाणा में कौन राज करेगा वो आपको पता चल जाएगा। जम्मू कश्मीर में 3 चरण, हरियाणा में 1 चरण में होगा चुनाव। बिना देरी करे मैं आपको ये ग्राफिक्स भी बता देती हूँ, इसको आप सेव भी कर सकते हैं। देखिए हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024, वोटर तकरीबन यहाँ पर 2,01,000 है, और अगर मैं बताती हूँ आपको सीटें तो 90 सीटें है, 1 चरण में चुनाव होगा 1 अक्टूबर और नतीजा 4 अक्टूबर को आएगा। अब मैं आपको पहले पिछले चुनावों के नतीजे बता देती हूँ, यानी हरियाणा विधानसभा चुनाव जो कि 2019 में हुआ था तो उसमें कुल सीटें 90, बहुमत का आंकड़ा 46, बीजेपी ने कितनी जीती थी 40, कांग्रेस ने 31, जेजेपी ने 10 और INLD ने 1, और इनका वोट परसेंटेज मैंने इधर लिख रखा है, बीजेपी का 36, कांग्रेस का 28, जेजेपी का 14 और INLD का 2। इस बार थोड़ा सा अलग मामला है क्योंकि पहले बीजेपी और जेजेपी आपस में गठबंधन में थे, लेकिन अब वो गठबंधन टूट चुका है और कहीं ना कहीं बीजेपी एक तरफ है, कांग्रेस जेजेपी INLD तीनों कहीं ना कहीं देखिए मिल गए हैं और बीजेपी के खिलाफ इस बार चुनाव लड़ेंगे। और इस बार बीजेपी के लिए हरियाणा थोड़ा मुश्किल हो गया है। वो क्यों हो गया है वो मैं आपको आगे बता देती हूँ। देखिए हरियाणा में अभी नायाब सिंह सैनी की सरकार है, यानी बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस जेजेपी INLD जाट वोट बैंक की तरफ है, यानी जो जितना भी जाट वाला वोट बैंक है वो आप समझ लीजिए इनकी तरफ है। और इस बार कांग्रेस पहले ही तैयारी कर चुकी है, पहले ही आपको पता है बीच में भी जेजेपी और कांग्रेस जब लोकसभा के टाइम पे ये दोनों अलग हो गए थे, और आपको पता है हरियाणा लोकसभा में ऑलरेडी बीजेपी को नुकसान हो चुका है, पहले 10 की 10 सीटें उनके पास थी लेकिन 5 उसमें से कम हो गई। तो देखिए इस बार जो ये विपक्षी ताकत है ना वो हरियाणा में मजबूत लग रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस ने सौंपी है कमान पूरी की पूरी, और बीजेपी ने गैर जाट नेताओं पर भरोसा जताया है अब बीजेपी को, क्योंकि एक पूरी जो ताकत है, 3 मेजर पार्टियां बीजेपी के खिलाफ है और बीजेपी अकेली लड़ रही है, तो उनका ये प्लानिंग है कि जो गैर जाट नेताओं पर उनका भरोसा है, बीजेपी ने यहां तक किरण चौधरी जैसे नेताओं की एंट्री भी करवा दी है बीजेपी ने। मैं आपको बता देती हूं लोकसभा में आपको पता है हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार थी और एंटी इनकम्बेंसी आ गई थी, लोग नाखुश थे, बीजेपी ने बदला था सीएम चेहरा, यानी मनोहर लाल खट्टर को हटा दिया था और नायाब सिंह सैनी को लेकर आए थे, किसानों महिलाओं और युवाओं पर बड़े ऐलान किए ताकि ये सभी जितना भी वोट बैंक है, किसानों का वोट बैंक है, महिलाओं का वोट बैंक है, युवाओं का वोट बैंक है, वो बीजेपी को मिल जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आभास हो जाता है सियासी गलियारों में भी कि हरियाणा इस बार बीजेपी के लिए थोड़ा सा मुश्किल बना हुआ है। अग्निवीरों को भी, क्योंकि आपको पता है अग्निवीर योजना पे कांग्रेस लगातार प्रहार कर रही है कि ये गलत है, यहाँ तक कि जो सेना में लोग जा रहे हैं यानी जो यूथ है वो भी कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि अग्निवीर से खुश नहीं है। तो अब सरकार ने क्या किया, जो डैमेज कंट्रोल है, अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण दे दिया, और भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। किसान आंदोलन के असर को कम करने की भी कोशिश हुई है, आपको पता है ये जो किसान आंदोलन है उसके जितने भी रूट्स हैं, जितने भी तार हैं, वो हरियाणा पंजाब और इन सब इलाकों से, राजस्थान से जुड़े हुए हैं, और किसान आंदोलन कैसे सरकार के खिलाफ एक पूरी लहर बन गई थी और अभी भी है, अभी भी कुछ किसान शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और किसान आंदोलन बीजेपी के लिए भारी पड़ा था। विनेश फोगाट वाला मुद्दा कितना असरदार होगा, अब सवाल यही पूछा जा रहा है। आपको पता है कि जब विनेश फोगाट वाला पूरा विवाद हुआ, मैंने पूरा शो करके आपको बता रखा है, गोल्ड नहीं ला पाए हम, यहाँ तक कि जो हमारा सिल्वर मेडल था जो हमने जीता था वो भी नहीं हो पाया। आपको पता है कि कैसे पहलवान प्रोटेस्ट ने पूरा का पूरा बीजेपी सरकार को घेरा था, अब उन्हीं के बीच में से विनेश फोगाट
क्योंकि एक तरफ तो हमने विजुअल देखे कि उनको किस तरीके से जलील किया गया और दूसरी तरफ वो भारत के लिए मेडल लेने पहुंची, तो अब ये नेशनल इशू बन गया है विनेश फोगाट वाला। और जब ये जितनी भी चर्चाएं और अभी तक भी इतनी चर्चाएं चल रही है कि भैया इसको अगर हम हरियाणा चुनाव से देखने की कोशिश करते हैं, तो अगर हम विनेश फोगाट वाले इशू को हरियाणा चुनाव से देखते हैं, तो कहीं ना कहीं काफी ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये दावा किया। इसमें से अगर मैं विपक्ष के एजेंडे की बात कर लेती हूं, उनका तो यही कहना है, देखिए विनेश फोगाट का समर्थन नहीं किया बीजेपी की सरकार ने, ब्रिजभूषण का समर्थन किया जो कि जिन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट किया, तो कहीं ना कहीं जो ये मुद्दा है ये बीजेपी के खिलाफ चला जाएगा चुनाव में। और ये जो विनेश फोगाट ने कर दिखाया है देश के लिए, वो हरियाणा में नुकसान हो सकता है बीजेपी का। अब मैं जम्मू कश्मीर पे आ जाती हूँ। जम्मू कश्मीर का अगर बात करते हैं तो वोटर है 87 लाख। तकरीबन तीन चरण में चुनाव होने हैं। पहला चरण होगा 18 सितंबर को 24 सीटों पर, दूसरा होगा 26 सीटों पर 25 सितंबर को, तीसरा होगा 40 सीटों पर 1 अक्टूबर को, और नतीजा 4 अक्टूबर को आ जाएगा। अब आपको जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव जो कि 2014 में हुए थे, क्योंकि इन 10 सालों से हो नहीं पाए हैं, वो भी बताऊंगी क्यों नहीं हो पाए, लेकिन पहले आप देखिए कि 2014 में क्या स्थिति थी। कुल सीट 87, जिसमें से कुछ सीटें हमने पीओके को भी दे रखी हैं, तो कुल सीट 87 पे चुनाव हुआ। बहुमत का आंकड़ा 44, पीडीपी 28, बीजेपी 25, जेकेएनसी 15, कांग्रेस 12 और अदर्स के खाते में 7। और ये मैंने वोटिंग परसेंटेज लिख रखा है, पीडीपी का 22, बीजेपी का 22, जेकेएनसी का 20, कांग्रेस का 18 और अदर्स के खाते में 15। अब देखिए 2014 में यह हुआ था कि पीडीपी यानी महबूबा मुफ्ती की पार्टी और बीजेपी एक साथ आ गए थे, इन्होंने तकरीबन 18 महीने सरकार चलाई, लेकिन फिर इनका जो गठबंधन था वो टूट गया और उसके बाद वहां पर राज्यपाल का शासन आ गया, फिर आपको पता है वहां पर 370 भी लगा, फिर कई ऐसी चीजें हुई क्योंकि फिर वो दो अलग हिस्सों में बांटा गया। तो इस तरीके से पिछले 10 साल से विधानसभा चुनाव नहीं हो पाए थे, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा था आर्टिकल 370 का, तो ये सब वजह रही। तो अब फाइनली जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने वाला है और अभी तो सीटें भी बढ़ गई है। परिसीमन में आपको मैं बता देती हूँ कि जम्मू वाला जो इलाका है, जो हिंदू बहुल इलाका है और कहा जाता है कि बीजेपी की जहां पर पैठ है, वहां पे परिसीमन के बाद 6 सीटें बढ़ गई हैं। और जो कश्मीर घाटी है जहां पर अधिकतर मुस्लिम वोटर्स हैं, और मुस्लिम वोटर्स में भी मैं आपको बता दूं बीजेपी के समर्थक नहीं है, उधर जो है उधर 1 सीट बढ़ गई है परिसीमन की। और विपक्ष तो इस पे भी आरोप लगा रहा है कि बीजेपी ने चाल चली है कि जम्मू में जो इनका खुद का इलाका है उधर तो 6 सीटें बढ़वा दी परिसीमन से और कश्मीर में 1 बढ़ा दी, तो 6 सीटें बढ़ी हैं तो मतलब वो वोटों का खेल करेंगे, यानी वो पूरा का पूरा अपना प्लानिंग पहले ही कर चुके हैं। तो देखिए जम्मू कश्मीर में 87 से अब 90 सीटें कैसे, मतलब अगर मैंने आपको पहले वाला आंकड़ा बताया कि कुल सीटें 87 हैं, तो अब 90 सीटों पर चुनाव क्यों हो रहा है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। फिर बता देती हूँ ग्राफिक्स के तौर पर, केंद्र शासित राज्य बनने के बाद पहली बार चुनाव हो रहा है जम्मू कश्मीर में। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाया गया था जम्मू कश्मीर में, 2014 में 87 सीटों पर हुआ था चुनाव, मैंने आपको बता दिया है। अब लद्दाख अलग होने से विधानसभा की 4 सीटें घट गई हैं, केंद्र शासित राज्य बनने के बाद 7 सीटें बढ़ गई हैं, इसमें से 6 तो जम्मू में चली गई और 1 कश्मीर घाटी में चली गई। 2024 में 87 के बजाय 90 सीटों पर होना है चुनाव यानी इस बार। और मैं आपको बता दूं जम्मू कश्मीर में जनरल सीटें हैं 74, एससी हैं 7, एसटी हैं यानी शेड्यूल ट्राइब है 9, और इतने सीटें आरक्षित हैं। आर्टिकल 370 से पहले सरकार का कार्यकाल 6 साल का था, यानी जब तक 370 नहीं हटा था तब तक सरकार 6 साल तक चलती थी, लेकिन अब आर्टिकल 370 हटने के बाद सरकार का कार्यकाल 5 साल हो गया है। अब अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, जम्मू कश्मीर हरियाणा का मैंने आपको छोटा गणित बता दिया, लेकिन एक अलग भी शो करूंगी दोनों ही राज्यों पे, उसके लिए आपको वेट करना होगा, आज मैं आपको ओवरऑल बताती हूँ। अब अगला सवाल ये है कि ये जो लोकसभा चुनाव है उसने क्या संदेश देने की कोशिश की आपको, कि लोकसभा में जिस तरीके से इन जितने भी राज्यों में वोटिंग हुई है अगर हम उसका आंकड़ा लेते हैं तो अभी क्या स्थिति समझ में आ रही है। तो देखिए अगर मैं हरियाणा की बात करती हूँ, मैंने आपको पहले बता दिया पहले 10 सीटें थी बीजेपी के पास, लेकिन इस बार 5 कांग्रेस ने ले ली, बीजेपी से छीन ली और 5 बीजेपी के पास आई, तो देखिए ये हाफ हाफ हो गया। दूसरा देख लीजिए महाराष्ट्र में अभी डीले हो गया, लेकिन होना इसी साल है, तकरीबन नवंबर दिसंबर में हो जाएगा, लेकिन इधर भी आप देखते हैं महाराष्ट्र में एनडीए को कितना बड़ा झटका लगा है, अभी महाराष्ट्र पे भी आऊंगी। बीजेपी 9, कांग्रेस 13, और अगर आप यूबीटी की बात करते हैं 9, एनसीपी यानी शरद पवार के पास 8, तो अगर मैं इसको टोटल कर लेती हूं तो इंडिया गठबंधन के पास ज्यादा आई महाराष्ट्र में और एनडीए के पास कम आई, तो इससे साफ स्थिति कि महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में एनडीए के खिलाफ हमें लहर दिखी। झारखंड में देख लीजिए बीजेपी के पास 8 आई, जेएमएम के पास 3 आई, कांग्रेस के पास 2 और एजेएसयूपी के पास 1, और अब क्योंकि हेमंत सोरेन बाहर आ गए हैं
तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी हेमंत सोरेन वाली लहर है जो विपक्षी एजेंडे में है कि विपक्ष आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि कैसे ईडी सीबीआई से लड़के कोर्ट के सहारे हेमंत सोरेन बाहर आ गए हैं और कैसे बीजेपी अत्याचार कर रही है, तो झारखंड में अभी विपक्षी मुद्दा ये चल रहा है। फिर देखिए जम्मू कश्मीर में दो जेकेएन, दो बीजेपी और आईएनडी ने एक, यानी पांच सीटों में से इस तरीके से आपको इधर कांग्रेस कहीं नहीं दिखेगी। और जम्मू कश्मीर की अगर मैं आपको चार प्रमुख पार्टियां बता देती हूं जो अलग अलग लड़ रही हैं, एक है बीजेपी, एक है कांग्रेस, एक है महबूबा मुफ्ती की पीडीपी और एक है अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला की एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस। और ये चारों चौतरफा मुकाबला होने वाला है। अब जम्मू कश्मीर में क्या होगा पता चलेगा। चौथा देख लीजिए, महाराष्ट्र झारखंड चुनाव में देरी क्यों हो रही है, तो जब आज चुनाव आयुक्त से पूछा गया, चुनावी इलेक्शन कमिश्नर से पूछा गया कि ऐसी देरी क्यों हो रही है, तो उन्होंने बताया देखिए महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है, कई चरणों में मतदान हम वहां पे कराएंगे और अभी तो त्यौहार भी कितने हैं, कितने सारे त्यौहार हैं, चाहे आप गणेश उत्सव ले लीजिए, पितृपक्ष नवरात्रि ले लीजिए, आप दिवाली ले लीजिए, इन सब के चलते हम अलग से वोटिंग कराना चाहते हैं। विधानसभा का कार्यकाल कब खत्म हो रहा है ये भी देख लीजिए, महाराष्ट्र में 26 नवंबर को विधानसभा का कार्यकाल खत्म होगा, तो इससे पहले होने हैं चुनाव। और झारखंड में दिसंबर में समाप्त होगा तो दिसंबर से पहले करवाने होंगे। महाराष्ट्र झारखंड में जिस हिसाब से देखा जा रहा है नवंबर दिसंबर में आपके चुनाव हो जाएंगे, विधानसभा चुनाव। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं, झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं और महाराष्ट्र में अभी तो बहुत सी चीज़ें अभी से ही शुरू हो गई। भाई चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, अभी से ही दिख गया है कि अजीत पवार कैसे कह रहे हैं कि सुप्रिया सुले के खिलाफ लड़ना मेरी गलती थी, फिर वो कहते हैं कि सब लोग आगे निकल गए मैं तो पीछे रह गया, फिर वो कहते हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए, यानी एनडीए के खिलाफ जाके, बीजेपी के खिलाफ जाके अजीत पवार ऐसे बयान दे रहे हैं। तो सियासी गलियारों में तो यही कहा जा रहा है कि कहीं अजीत पवार वापस ना चले जाएं इंडिया गठबंधन के पास, कहीं वापस अपने चाचा शरद पवार के पास ना चल जाए। तो ऐसी सारी जितने भी जो सियासी गलियारों में है खबरें हैं। उद्धव का सीएम चेहरे पर एमवीए को साथ है, यानी उद्धव ठाकरे आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं कि जो कांग्रेस और शरद पवार जी यानी एनसीपी डिसाइड करेंगे आप बोलो, मुझे कोई इच्छा नहीं है कि मैं सीएम चेहरा बनूं, आप जो बोलेंगे एमवीए यानी इंडिया गठबंधन जो डिसाइड करेगा उस हिसाब से सीएम चेहरा होगा। तो देखिए अब महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को यानी एमवीए को यानी महाविकास अघाड़ी को अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपस में इनकी सेटिंग है। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए को दिक्कत है, अजीत पवार अलग सुर अलाप रहे हैं, शिंदे अलग हो रहे हैं, फडणवीस अलग हो रहे हैं। तो देखिए महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं एनडीए के लिए बड़ी दिक्कत है। और बीजेपी की अगर मैं बात करूं, मुद्दे भी देख लेते हैं कि अभी के हिसाब से नैरेटिव क्या बन रहा है। एनडीए वर्सेस इंडिया की अगर मैं बात करती हूं तो इंडिया के क्या मुद्दे हैं, हिंडनबर्ग पे चढ़ा हुआ है, एसबी पे इंडिया गठबंधन वाले विपक्षी वाले कह रहे हैं कि एसबी खुद, जब अडानी घोटाले में, घोटाले विपक्ष के हिसाब से अगर मैं कहूं कि खुद ही अडानी मामले में सेबी जो जांच कर रहा है वो इन्वॉल्व है, तो कैसे होगा। इस पे मोदी सरकार को जवाब देना चाहिए, मोदी सरकार अडानी अंबानी को बचाने की कोशिश करती है। फिर विनेश फोगाट वाला, मैं आपको पूरा बता चुकी हूँ कि किस तरीके से विपक्ष इसको अपना चुनावी हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है कि विनेश फोगाट के साथ कैसा कैसा किया बीजेपी सरकार ने, फिर देश का नाम विनेश फोगाट ने रोशन किया लेकिन फिर भी उसको मेडल नहीं दिला पाए, यानी फिर भी उसके साथ साजिश कराई गई और उसको मेडल नहीं दिलवाया गया। फिर देखिए संविधान की रक्षा, आज ही पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि संविधान की रक्षा हम करना चाहते हैं क्योंकि बीजेपी वाले तो संविधान के विरुद्ध जा रहे हैं। आपको पता है राहुल गांधी को पीछे क्या बिठा दिया, पीछे बिठा दिया तो फिर उसके बाद बोल दिया कि संविधान में एलओपी का पद आगे होता है, आपको फ्रंट रो में बिठाना चाहिए था। आपने कैसे एलओपी यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पद का गलत तरीके से आपने अपमान किया है। यानी फिर देखिए अग्निवीर पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, हरियाणा में बहुत ज्यादा प्रबल है ये मुद्दा, बेरोजगारी महंगाई तो हमेशा से ही रहे हैं। फिर देखिए टैक्स अभी जो इंडेक्सेशन वाला पूरा मुद्दा हुआ था उस पर विपक्ष ने बढ़ चढ़कर उस पर बोला और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को बैकस्टेप लेना पड़ा। धर्म पर राजनीति, ये वक्फ बोर्ड वाला जो मामला चल रहा है कि वक्फ बोर्ड पे जो 40 सुधार होने थे वो बीजेपी लेकर आई लेकिन विपक्ष ने मिलकर उसको जेपीसी में अटकवा दिया, यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पे। अब मैं आपको थोड़े से एनडीए के मुद्दे भी बता देती हूँ। देखिए अभी महिला सुरक्षा के नाम पर जो पूरे देश में बवाल हो गया है, आपको पता है कोलकाता में क्या हुआ है, लेडी डॉक्टर के साथ क्या हुआ है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो उस पे अब एनडीए जब इसको चुनावी एस्पेक्ट में देखते हैं तो एनडीए ममता सरकार को जिम्मेदार बता रहा है और ये भी बोल रहा है इंडिया गठबंधन में चाहे आप कांग्रेस ले लीजिए, अखिलेश यादव ले लीजिए, वो लोग अपनी साथी ममता के लिए कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। महिला सुरक्षा पे बात आ गई है और इन सबको राजनीति दिख रही है, देश विरोधी सोच। अभी जब हिंडनबर्ग और सेबी वाला मुद्दा आता है तो बीजेपी का यही टेक था
कि जॉर्ज सोरोस फंडेड हिंडनबर्ग जो कि एक अमेरिका की कंपनी है, वो अगर भारत की इकोनॉमी पे प्रहार करने के लिए ऐसे कोई रिपोर्ट ले आती है जिसपे हिंडनबर्ग को यानी अमेरिका को फायदा होता है, उस पर देश विरोधी कांग्रेस, ये बीजेपी का कहना है कि देश विरोधी कांग्रेस उसको पूरे के पूरे एक एजेंडे को फिक्स करती है और उनकी सोच देश के प्रति नहीं है, ये बीजेपी का कहना है। फिर देखिए विकास, क्योंकि विकास पे तो हमेशा से बीजेपी प्रबल रही है, कहती है हम तो विकास करते हैं और जो सामने वाले ये विपक्षी हैं वो छोटी मोटी बातें करते हैं। राष्ट्रवाद का मुद्दा हमेशा से चलता है। मजहबी कोड, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ये जो कम्युनल कोड है वो हमें गवारा नहीं है, सेक्युलर कोड होना चाहिए, यानी यूसीसी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड तो आके ही रहेगा। वक्फ बोर्ड पे भी सरकार ने अपनी मंशा क्लियर कर दी है। तो देखिए अब ये मोटे मोटे मुद्दे जो इस वक्त चल रहे हैं, अब जो हरियाणा चुनाव होंगे, जम्मू कश्मीर चुनाव होंगे, झारखंड में, महाराष्ट्र में होंगे, आपके लिए बहुत ज्यादा एक्शन होने वाला है क्योंकि साथ साथ में उपचुनाव भी होने हैं यूपी में, बिहार में। तो देखिए अब आपको एकदम पेटी बांध लेनी है क्योंकि अब इतने सियासी उलटफेर होने वाले हैं जो आपके लिए भी वो बड़ी खबरें होंगी और हमारे लिए भी। फिलहाल जो आज ये इलेक्शन कमीशन ने तारीखों का ऐलान कर दिया है तो अब इसके बाद से राजनीति प्रबल हो गई है, आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप News24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए, मैं हूँ रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। क्या आप भी मेरी तरह रिपोर्टर या फिर एंकर बनना चाहते हैं, या फिर आपका सपना है एक बड़े न्यूज चैनल में काम करने का, या फिर आपका सपना है एक वीडियो जर्नलिस्ट या फिर डायरेक्टर बनने का, तो फिर एडमिशन लीजिए News24 के अपने मास मीडिया कॉलेज में, विच इज आइजोम्स इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.izoms.com पर। News24 की टीम का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News24।